लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई जोड़ करके आसियाना बनाया, किसी ने जेवर बेचे, किसी ने छोटे छोटे ज़मीनें बेची और अपनी नौकरी के पाई पाई जोड़ करके आसियाना बनाया। लेकिन ये मकान हैंडओवर तो हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इन जो रेजिडेंट्स हैं इनको मालिकाना हक नहीं मिला है और ये ईएमआई देते देते थक जा रहे हैं। और जहाँ तक जो जानकारी मिली है कि जो बैंकर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो ईएमआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही बायर्स हैं, ये सुपरटेक इको विलेज 2 के, जो जिनसे बात करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या क्या हैं। सर ये बताइए कि आपको आपकी रजिस्ट्री हो गई है? अभी तक नहीं हुई है। मैं सोसाइटी में 2017 में शिफ्ट हुआ था, तब बिल्डर ने कहा था कि बस एक महीने के अंदर ओसी मिलने वाली है, उसके बाद रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। आज तक नहीं हुई है। कई बार बिल्डर को भी चेस किया, गवर्नमेंट को भी सभी बात की, बहुत से लोग वो भी गए बात करने, लेकिन उसके बाद से आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अभी आपको मालिकाना हक नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक कैसे मिल जाएगा? अच्छा सर, आपकी बिल्डर से बात होती है तो क्या नाम है आपका और क्या बात? मेरा यहाँ बी4 में रहता हूँ मैं, 3 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे और मुझे भी वादा किया गया था कि 6 महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी, बट आज तक इसकी कोई सुध-बुध नहीं है बिल्कुल भी। अब मुझे लग रहा है कि इसमें नुकसान ज़्यादातर सिर्फ बायर का तो हो ही रहा है, गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। रेवेन्यू जो आना चाहिए था रजिस्ट्री से वो तो मिलने रहे होने हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये सबकी प्रॉब्लम सबके साथ में है। ये अगर ये रजिस्ट्री हो जाती है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आएगा, उससे डेवलपमेंट का काम हो सकता है हमारे लिए। तो मैं तो कहूँगा जल्दी जितना जल्दी हो जाइए। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं सर, आपका नाम? मेरा नाम इनाम है। सर ये बताइए कि आपकी जो रजिस्ट्री उसमें बाधाएं क्या हैं, आप क्या बोलते हैं, बिल्डर क्या बोलता है? बाधाएं तो जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि अथॉरिटी कहती है कि मेरा 400 करोड़ के आसपास बकाया है बिल्डर का, जब तक वो नहीं पे करेगा तब तक वो रजिस्ट्री नहीं करेगा। सितंबर 2020 के आसपास अथॉरिटी ने इसका ओसी भी दे दिया था 12 टावर का, और वो उसने रिवोक कर लिया ये कह के कि मेरा पैसा जब तक नहीं देगा तब तक हम रजिस्ट्री शुरू नहीं करेंगे। पूरा डेलीगेशन यहाँ से अथॉरिटी के पास ईओ से सारे अधिकारियों से जा जा करके मिला, लेकिन वो नहीं कहता कि नहीं जब तक मेरा पैसा मुझे नहीं मिलेगा तब तक हम रजिस्ट्री शुरू नहीं करेंगे। और उसका एज ए रिजल्ट सारे जितने भी बायर्स से हर किसी ने लोन ही लिया हुआ, और मेजोरिटी जो है लैंडर यहाँ पर इंडिया बुल से 15% से ऊपर का इंटरेस्ट चल रहा है होम लोन पे। मैं पर्सनल लोन लेकर के उसको चुकाया हूँ, नहीं तो कब तक बच्चों को विरासत में देके जाते हो। पूरा चल रहा है। बिल्कुल, लोगों की समस्याएं हैं और जो लोन है वो काफ़ी भारी पड़ रहा है। एक तो मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर्टी का कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। सर आप बताइए सर, आपकी क्या समस्या है यहाँ पर? सर मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं यहाँ 2020 में मैंने फ्लैट बुक किया था जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। और रही बात लोन की, तो लोन मैंने पर्सनल लोन ही लिया था और गोल्ड लोन लिया था, जैसा जी कि इनाम जी बता रहे थे, मैंने गोल्ड लोन और पर्सनल लोन लिया था और अभी तक मुझे मेरा घर नहीं मिला है। सो मेरी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे, जो और आम नागरिक है उनसे अलग है, क्योंकि मैंने एक फ़्लैट लिया जो मुझे मिला नहीं है, फिर मैंने दोबारा एक फ़्लैट खरीदा जिसकी भी ईएमआई भर रहा हूँ, पर्सनल लोन से ही भर रहा हूँ और उसकी ईएमआई भी भर रहा हूँ। और सिचुएशन ये है कि लोग बोलते हैं कि आरके अरोरा जी के जाने से, जेल जाने से आपको खुशी हुई, मेरे साथ तो मिक्स मैच सिचुएशन है। मैं एक ऐसा बायर हूँ कि खुश एक पल के लिए खुश भी हुआ कि चलो उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल गई, मगर दूसरे पल दुखी हो जाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अरेस्ट करके जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था या जो प्रोसेसिंग था, प्रोसेसिंग सिस्टम था, जो रजिस्ट्री टुवर्ड्स रजिस्ट्री, अब बकाया कौन देखेगा इनके, इनका जो रेगुलर वर्क है मेंटेनेंस का या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट का वो कौन देखेगा? उसके लिए ना ही कोई ऑब्जर्वर सेट किया सुपरटेक ने और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब कौन देखेगा? क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर किसी को जेल भेज के उसका सॉल्यूशन मिल सकता है तब तो भेज दो, जेल ही भेज दो और उसका सॉल्यूशन निकाल लो। और अभी क्या सॉल्यूशन मिलेगा? रजिस्ट्री होगी तो कैसे होगी? ओसी मिला था, ओसी रिवोक हो गया। अथॉरिटी बोलती है कि हमारे पास इतना आउटस्टैंडिंग है, मगर अथॉरिटी को ये भी तो समझना चाहिए कि जब रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री का जो भी 5 या 6% जाएगा वो अथॉरिटी को जाएगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होगा। शायद अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे 2.5 से 3 लाख फ्लैट्स जो रेडी टू मूव हैं ग्रेटर नोएडा ग्रेनो वेस्ट में, उसका अगर रेवेन्यू आप निकालोगे तो वो कुछ 10 CR के ऊपर, मतलब 100 CR के ऊपर जाएगा।
तो अथॉरिटी या तो इग्नोर कर रही है, आम आदमी की बात को दबाना चाहती है, या वो हमारे हमारे कंसर्न के लिए सीरियस ही नहीं है, वो हमें हमारा मालिकाना हक देना ही नहीं चाहती है। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि सबकी मिली भगत है, अथॉरिटी भी मिली हुई है, प्रशासन, नेता प्रशासन, प्रशासन सब लोग मिले हुए हैं और किसी को हमारी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपके पास वोट का भी अधिकार है, आप लोग यहाँ वोट भी करते हैं, तो आप ये बात अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बताते हैं जी, टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं उनको और हर बात बताते हैं कि हमारा जिस हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, हम सुपर टेक में जाते हैं। आपको अगर मैं ईमेल चेंज दिखाऊंगा तो शायद मैंने पिछले 1.5 सालों में 250 ईमेल लिखे, आज तक कोई जवाब नहीं आया। किस किस को लेकर? आर के अरोरा, नीतीश अरोरा, जितने भी सुपर टेक में जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ टॉप शॉट्स को, उनको ईमेल्स लिखे हैं, उनके एडमिन्स को लिखे हैं, मेंटेनेंस को लिखे हैं और उनके फैसिलिटीज़ को लिखे हैं। 250 से ऊपर ईमेल है, मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, 250 ईमेल चेन है। मैं हर जब मैं दुखी होता हूँ, मैं मेरी EMI कटती है तो मैं अगले दिन एक ईमेल लिख देता हूँ। एक आम आदमी कर ही क्या सकता है, तो मैं ईमेल लिख देता हूँ, मगर जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। बिल्कुल, लोगों की समस्याएं। हमारे साथ में संजीव जी हैं। संजीव जी, ये बताइए कि आप लंबी लड़ाई बायर्स की आप लड़ते रहते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कहीं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आप किसी पॉइंट पे आप पहुंचते हैं कि सोल्यूशन निकल जाएगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। बिल्डर की तो गलती है ही, साथ में अथॉरिटी की भी काफ़ी बड़ी गलती है। जो पैसा किस्तों में बिल्डर से लेना था अथॉरिटी को, वो नहीं लिया गया और वो अब इकट्ठा होकर के 500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जैसा कि अथॉरिटी बताती है। तो बीच बीच में इनसे क्यों नहीं किस्तों में लिया गया पैसा, क्यों 10% में ज़मीन देने के बाद इनसे पैसा वसूल किया गया? अब अमाउंट इतना ह्यूज हो गया है कि बिल्डर को देना मुश्किल हो रहा है, उसके ऊपर उस इंटरेस्ट भी लगा रखा है अथॉरिटी ने। खैर, कोर्ट में हुआ था, शायद बिल्डर को रिलीफ मिल गया, इंटरेस्ट नहीं देना है, फिर भी एक बड़ा अमाउंट है जो कि अथॉरिटी को देना है। अब सरकार जो है वो रजिस्ट्री के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन रजिस्ट्री अथॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन सरकार तो अब लड़ाई आपकी एक दिन की नहीं है, सालों से लड़ाई लड़ते आप चले आ रहे हैं। पहले सपा गवर्नमेंट थी तब भी आप लड़ाई लड़ रहे थे, भाजपा गवर्नमेंट है तब भी लड़ाई। आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन लोगों से आपकी बातचीत होती है, तो क्या मतलब इनका क्या रवैया रहता है? देखिए, जनप्रतिनिधि को बोला गया था, चूँकि प्राधिकरण का मामला है, इसमें अगर फंड से रिलेटेड कोई बात होती है तो जनप्रतिनिधि जो हैं वो हायर लेवल पर बात पहुंचाते हैं, और ये बात हमारी मुख्यमंत्री तक पहुंची हुई है। हम लोग भी एक बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और जनपति भी जाकर के मिले हैं मुख्यमंत्री से। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो 6% मिल रहा है, वो गवर्नमेंट तो ले रही है सबलीस करा करके, लेकिन सबलीस से हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा अगर हमारी सबलीस गवर्नमेंट कर देती है, हमारी हमसे 6% 7% स्टाम्प ड्यूटी ले लेती है, लेकिन जब तक अथॉरिटी साइन नहीं करेगी तब तक हमारी रजिस्ट्री होगी नहीं, और उस सबलीस का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें लोन नहीं मिल सकता, हमारा कोई इंश्योरेंस अगर मकान पे हाउस होल्ड पे हमने करा रखा है वो हमें नहीं मिलेगा। तो सरकार अपना पैसा तो निकाल रही है लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा रही है, और वो रजिस्ट्री तभी होगी जब अथॉरिटी को पैसा दिया जाएगा। अब अथॉरिटी को पैसा कौन देगा, मामला यहाँ पर अटक रहा है। जो आप संडे के संडे लोग यहाँ सड़कों पे उतरते हैं, ग्रेटर नोएडा के, बता रहे हैं कि अभी करीब 2.5 से 3 लाख बायर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, एक इतना बड़ा नंबर है सर, और ये क्या मतलब, जो बिल्डर हैं, एक बिल्डर की कहानी नहीं है ये, कमोबेश सभी जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जितने भी बिल्डर हैं सभी की। कहूँ कि गवर्नमेंट को जो 6% मिल रहा है, वो गवर्नमेंट तो ले रही है सबलीस करा करके, लेकिन सबलीस से हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा अगर हमारी सबलीस गवर्नमेंट कर देती है, हमारी हमसे 6% 7% स्टाम्प ड्यूटी ले लेती है, लेकिन जब तक अथॉरिटी साइन नहीं करेगी तब तक हमारी रजिस्ट्री होगी नहीं, और उस सबलीस का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें लोन नहीं मिल सकता, हमारा कोई इंश्योरेंस अगर मकान पे हाउस होल्ड पे हमने करा रखा है वो हमें नहीं मिलेगा। तो सरकार अपना पैसा तो निकाल रही है लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा रही है, और वो रजिस्ट्री तभी होगी जब अथॉरिटी को पैसा दिया जाएगा। अब अथॉरिटी को पैसा कौन देगा, मामला यहाँ पर अटक रहा है। जो आप संडे के संडे लोग यहाँ सड़कों पे उतरते हैं, ग्रेटर नोएडा के, बता रहे हैं कि अभी करीब 2.5 से 3 लाख बायर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, एक इतना बड़ा नंबर है सर, और ये क्या मतलब, जो बिल्डर हैं, एक बिल्डर की कहानी नहीं है
ये कमोबेश सभी जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जितने भी बिल्डर हैं सभी की ये कहानी है। तो इनके लिए आपकी बिल्डरों से बात हुई तो बिल्डर क्या बोल रहे हैं? बिल्डर तो जी कुछ नहीं बोलते हैं, जाइए बस हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, हमने ये कर रखा है वो कर रखा है, यहाँ तक कि हम लोग अथॉरिटी के भी कई बार अथॉरिटी भी मिलने गए हैं तो उनका भी कोई आश्वासन मिलता नहीं है सही से कि किस दिन हो जाएगी, डेट कोई नहीं बताता है। लेकिन वही है कि बिल्डर्स सारे बिल्डर्स जो हैं वो या तो बैंक करप्ट होते जा रहे हैं या जेल में जा रहे हैं। तो अब मेन बात यह है कि सरकार को और अथॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, या तो अथॉरिटी छोड़े पैसा या फिर सरकार पैसा दे, या फिर जो बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि बिल्डर्स की प्रॉपर्टी अथॉरिटी को सब मालूम है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है अभी सेल नहीं हुई है, तो उनको क्यों नहीं अपने उसमें लेकर के और वो पैसा विड्रॉ करती है बिल्डर से? अगर वो चाहें तो अभी भी आप जैसे आप सुपरटेक की अब बात ले लीजिए, सुपरटेक की बहुत सी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसको सीज करे, सीज करके जब्त करे और जब्त करके जो है वो पैसा जो है रजिस्ट्री के लिए अपने पास रख ले और लोगों की रजिस्ट्री करा दे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, अगर सरकारें और या अथॉरिटी या बिल्डर चाहे तो इस समस्या का भी समाधान निकल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई इस मकान के लिए लगा दी, वही मकान का मालिकाना हक अभी इन लोगों के पास नहीं है। हफ्ते दर हफ्ते ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लोगों के आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अभी इनकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। यही वजह है कि इन लोगों के लिए जो ये मकान है वो घोंसला का घोंसला साबित होता जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा न्यूज़ 24।